ओके बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे और वेबसाइट के अंदर हमने HTML यूज किया और हम जावास्क्रिप्ट भी हमने थोड़ा बहुत यूज किया है। तो चलिए देखते हैं और हम इसके आगे हम कैसे क्या वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो एरिया है ये आपका डेस्कटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। इस पर राइट क्लिक करके आप एक फोल्डर बनाइएगा, न्यू फोल्डर। ठीक है, ये न्यू फोल्डर को आप कुछ भी नेम दे दीजिए। जैसे मैंने दे दिया माय प्रोजेक्ट। क्या नाम देंगे आप इसको? माय माय प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। क्या माय प्रोजेक्ट के अलावा कुछ भी नाम दे सकते हैं? दे सकते ये हैं। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके आपको गिट बैश हियर पर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको कौन सा एडिटर स्टार्ट करना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। और आप इस पे अगर स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके बजाय सबलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हो? सबलाइन। और अक्षरा आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हो? विजुअल स्टूडियो कोड। वेरी गुड, विजुअल स्टूडियो कोड। सो अक्षरा जो है विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रही है और एहसास जो है वो कौन सा एडिटर यूज कर रहे हो? सबलाइन। सबलाइन। वेरी गुड। सो चलिए यहाँ पर मैं गया, देखिए क्या करना है। फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर, और यहाँ से डेस्कटॉप पे मैं गया और डेस्कटॉप से मुझे किसे सिलेक्ट करना है? माई प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये माई प्रोजेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। अब प्रोजेक्ट के अंदर हमें कुछ फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं और कुछ फाइल्स बनानी पड़ती है। फाइल का नेम हमें क्या रहेंगे? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और कुछ फोल्डर बनाएंगे, इस वाले से हमें फोल्डर बनेगा, इस वाले आइकन से क्या बनेगा? फाइल बनेगी। तो इनको हम बोलते हैं आइकन्स। क्या बोलते हैं? आइकन्स। तो ये वाला सेकंड वाला आइकन क्लिक किया तो मुझे IMG फोल्डर बनाना है। देखो ये फोल्डर बना, फिर इस सेकंड वाले पे फिर से किया मैंने, मगर बाहर जाके क्लिक करना है तो कौन सा फोल्डर बनेगा? CSS। फिर एक और फोल्डर बनाना है आपको जावास्क्रिप्ट के लिए। फिर HTML में आने के बाद आपको HTML का कोडिंग लिखना है। तो सबसे पहले पहले आपको कौन सा टैग लिखना पड़ेगा? डॉक टाइप HTML, और उसके बाद आपको HTML का स्टार्ट और HTML का क्लोज। ठीक है, उसके बाद आपको हेड का स्टार्ट। वेरी गुड। और हेड के सिबलिंग लेवल पर कौन सा टैग आता है? बॉडी। वेरी गुड। तो बॉडी का सिबलिंग टैग कौन सा है? हेड। सिबलिंग मतलब ब्रदर सिस्टर्स, है ना। सो हेड को आप मान के चलिए ये एक ब्रदर है और ये सिस्टर से, तो ये इनको हम सिबलिंग टैग्स बोलते हैं। हेड हेड का सिबलिंग कौन? बॉडी। बॉडी का सिबलिंग कौन? हेड। हेड का पेरेंट कौन? एचटीएमएल। एचटीएमएल का चिल्ड्रन कौन? हेड। और हेड का सिबलिंग बॉडी। 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 क्लियर है? क्लियर हुआ आपको? यस। उसके बाद मुझे हेड के अंदर कौन सा टैग यूज करना है? टाइटल। टाइटल यूज करना है। ये मैंने वेलकम किया। अब यहाँ से जो है आपको H1 टैग हमें यूज करना है। सो यहाँ पर मैंने वेलकम लिखा, सेव किया। और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर यूज करना। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो है ये वेलकम आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो बताइए जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं? स्क्रिप्ट कौन से टैग यूज करते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट और वो स्क्रिप्ट टैग हमें कहाँ लिखना चाहिए? हमेशा बॉडी क्लोजिंग से जस्ट पहले। सो यहाँ लिख सकता हूं मैं? की वेरी गुड। सो यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग मैंने आपके सामने लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? स्क्रिप्ट का जस्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट का क्लोज। अगर मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट का स्टार्ट किया और क्लोज नहीं लिखा तो क्या सही कर रहा हूं मैं? नहीं, गलत कर रहे हैं ना। तो ऐसे गलत करने को हम बोलते हैं एरर होगा हमारे इसमें, है ना, हम रॉन्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एरर ना आए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका प्रॉपर कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट में बताया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? वार वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। ये कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर नेम इज इक्वल टू, और मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा? एहसास। एहसास यहाँ पर मैंने लिखा, और इसी का नेम जो है मैं यहाँ पर क्या करवाऊं? अलर्ट करवाऊं। मैंने क्या करवाया इसके अंदर? अलर्ट करवाया। और यहाँ पर क्या लिखा? नेम लिखा। सो यहाँ पर हम जाएंगे ब्राउजर में और यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, देखो एहसास आ गया कि नहीं आ गया। अब अलर्ट के अंदर हम नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सो आप दो वेरिएबल लीजिए। सो एक वेरिएबल लिया मैंने एक्स, उसमें कितना स्टोर कर दिया? 10। दूसरा वेरिएबल मैंने लिया वाई,
और उसमें मैंने क्या स्टोर करवा दिया 20, और दोनों का एडिशन में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं। तो एडिशन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस y लिखना पड़ेगा कि x प्लस y? x प्लस y। तो बेसिक छोटी छोटी मैथ्स आपको पता है, वही मैथ्स आपको कहाँ लगानी है, अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको लगानी। सो जावा स्क्रिप्ट जो है हमारी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। HTML हमारी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो एडिशन आप करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, वो हमेशा किस टैग के अंदर करना है आपको, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, तो बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं क्या होता है। तो देखो 30 आ गया कि नहीं आया। अब बच्चों हमें ऐसा चाहिए कि सर आप, हम यूजर जो चाहे, हम जो चाहे वो नंबर डाले x की, और हम जो चाहे वो y की वैल्यू डाले। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर x का नंबर मैं बताऊंगा। अक्षरा आप क्या बोलेंगे कि सर x का नंबर मैं टाइप करूंगी और y का नंबर आप टाइप करना, ठीक है। अब हमें पता नहीं है x का नंबर क्या आने वाला है, y का नंबर क्या आने वाला है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर कौन है, आप हैं यूजर। आपकी वेबसाइट को जो भी चलाएगा व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर। सो इस वेबसाइट को मैं चला रहा हूं अभी, तो मैं कौन हूं, यूजर। अगर आप चलाएंगे तो आप कौन है, यूजर। आप चलाएंगे तो आप कौन है, यूजर। तो जब भी इस वेबसाइट को जो चलाते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं यूजर। सो यूजर पे जो है हमें अपना जो है वैल्यू हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट के अंदर आप लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। जो भी नंबर यहाँ पर हम एंटर करेंगे वो किस वेरिएबल में स्टोर करूंगा मैं, मान लीजिए ए के अंदर, क्योंकि एक्स और वाई तो हमने ले लिया, अब हम ए और बी यूज करेंगे, है ना। सो एंटर द फर्स्ट नंबर, उसी तरीके से वार बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर में क्या लिखूंगा, जैसे अलर्ट होता है ना, अलर्ट फंक्शन होता है ना, अलर्ट की तरह ही हमारे पास एक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट बोलते हैं। सो प्रॉम्प्ट का उपयोग जो है, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। तो यहां पर जो है ए और बी वैल्यूज हमें लेना है। प्रॉम्प्ट हमने लिया और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे एडिशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैंने अलर्ट किया, मैंने किसका अलर्ट किया, ए प्लस बी का। सो चलिए हमारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो बच्चों जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ये जैसे ही रिफ्रेश किया क्या बोल रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने पहला नंबर टाइप किया, पहला नंबर किसको टाइप करना था, अक्षरा को। तो अक्षरा फर्स्ट नंबर टाइप करो, वो आप ही को पता है आपने क्या टाइप किया है, 234, ठीक है। और यहां से मैं क्या करूंगा, ओके पे क्लिक किया। सेकंड नंबर ऐसा आप टाइप करो, कोई सा भी एक नंबर टाइप करो, 234 आपने टाइप किया और आपने ये नंबर टाइप किया। तो ये नंबर्स आसान नंबर टाइप कर लेते, 10 और 20 ऐड होके 30 आ जाता, इतने लंबे चौड़े नंबर आपने टाइप किया, उसका एडिशन होगा तो कैसे पता चलेगा। सो यहां पर ये मैंने किया है और ये देखिए कितना लंबा चौड़ा नंबर आ गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से एक बार 10, 20 ऐसे कुछ नंबर डालो सिंपल वाले। 12 नंबर डाला, 50 डाला, 12 और 50 कितना हुआ, 62। और आंसर क्या आ रहा है, 1250। ये दोनों ऐड होके आ गए, ये दोनों नंबर जुड़ के आ गए, आया समझ में। तो ऐसा इसका आंसर तो कितना आना था, इसका आंसर बच्चों क्या आना था, 12 प्लस आपने एहसास ने डाला 50 और अक्षरा ने डाला 12, इसका आंसर आना था कितना, 62 आना था, मगर आंसर क्या आ रहा है, 1250। तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, नंबर्स जुड़ रहे हैं, ये जो हो रहे हैं ना, ये नंबर्स जुड़ रहे हैं। इन नंबर्स को हमें जो है यहां पर जो है, इन नंबर्स को हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, पार्स इंट के अंदर। पार्स इंट, ठीक है, पार्स इंट सेव किया और यहां पर हम गए एंड देन रिफ्रेश किया। इसको मैं बंद करूं, एंटर द नंबर 10
और सेकंड नंबर 20 आंसर आ गया 30। थैंक यू।